वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी ब्रेड, चीज़ और पोटैटो के साथ हम बना रहे हैं, जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। ब्रेड, चीज़, सैंडविचेस बना रहे हैं, तो चलें फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। आज हम बना रहे हैं आलू को। मैंने बिल्कुल ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और ये मेरे पास है टिक्का चिकन, जिनको मैंने अच्छा सा बारीक कर लिया है। दो हरी मिर्च है जिनको बारीक चॉप कर लिया है, तो ये डाल देंगे इसमें। चिकन पाउडर है, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, चाइनीज सॉल्ट है और चाट मसाला है, ये डाल देंगे। ब्लैक वाइट पेपर है, हरा धनिया और पुदीना, पुदीने के चंद लीव्स लिए मैंने, हरा धनिया है। हरी मिर्च अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो। और अब करेंगे इसकी अच्छी सी मिक्सिंग, इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है हमें। बहुत अच्छी मिक्सिंग के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये अच्छा सा सेट हो जाता है, जो स्टार्च होता है इसका आलू का वो ख़त्म हो जाता है उससे। तो मैं रख रही हूँ इसको फ्रिज में। इतने हमने फ्रिज में रख दिया है सेट करने के लिए, तो इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके साइड जो है निकाल देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको आप रख दें, ब्रेड क्रम्स बना लें। इस तरह से मैं सबके निकाल दूंगी, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से इक्वल फोल्ड करके हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आप नहीं भी कटिंग करें तो कोई मसला नहीं, हाफ में हम फिलिंग भरेंगे, हाफ इसका फोल्ड करेंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं, तो फ्रिज से हमने निकाल लिया है इसको। हमारे पास चीज़ है तो इसको रखेंगे इस तरह। चीज़ रखी हमने, फिर आलू का ये बैटर रखा है हमने, फिर इसके बाद चीज़ रख दी और थोड़ा सा आलू का अब और रखेंगे। इसको अच्छे से आप सेट कर लें। और रखेंगे इसको इसके ऊपर इस तरह से, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये हमारा तैयार है, और इसी तरह मैं सब तैयार कर लूँगी। और अब चीज़ रख देंगे इस पर। आप चीज़ को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैं ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि चीज़ें ये बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर इसके ऊपर हम दोबारा रख देंगे इस तरह से, आप प्रेस करके आराम से। इसको कर देंगे कवर, सॉरी इस पे चीज़ नहीं लगाइए, इसको कर देंगे कवर, और हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे, साइड सेट करेंगे, और ये रेडी है। तो हमने ये सभी तैयार कर लिए हैं, अब इसकी कोटिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, थोड़े से दूध के साथ इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी ताकि कोई लम्स ना पड़े इसमें। और 1 पिंच से भी हल्का कम बल ये थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, इससे कलर बहुत खूबसूरत सा आएगा। 1 लेंगे हम अंडा, ब्लैक पेपर थोड़ी सी लेंगे, वन पिंच डाल देंगे सॉल्ट इसमें। कलर आप देखें, ये कलर हमें चाहिए था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा, हमें तेज़ नहीं करना, बहुत लाइट ला गर्म करना है। और अब करेंगे इसको इस तरह से डिप, अब चारों तरफ से करें। और अब हमने सभी चेंज कर दिए हैं, और सभी हमारे तैयार हो चुके हैं। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है।
बाहर आ रही है। बहुत आसान, बहुत ईजी है।